पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह को पकड़ा है जो ना तो फोन करता है और ना ही SMS, इसके बावजूद बैंक से चेक का क्लोन बनाकर ठगी कर देते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की सेठी नगर ब्रांच से 4,60,000 और इंदिरा नगर की ब्रांच से 7,10,000 की चपत लगाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। विगत कुछ दिन पूर्व जो है बैंक ऑफ इंडिया में क्लोन चेक के माध्यम से राशि निकासी करके धोखाधड़ी की गई थी। इसमें CCTV फुटेज के आधार पर एक संदेही को पकड़ा गया और उसने बताया कि एक बाहर का व्यक्ति आया था जिसने उसको क्लोन चेक दिया था, तो उसके आधार पर उससे मोबाइल से ट्रेस करके और असल आरोपी को भी पकड़ा गया है। इससे और रिमांड लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि इसे क्लोन चेक कहाँ से प्राप्त हुआ और कहाँ का इसने धोखाधड़ी। सर, इंदिरा नगर का जो मामला है, उज्जैन में ही बैंक ऑफ इंडिया का इंदिरा नगर शाखा, और उसमें भी इसने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है और पूछताछ की जा रही है। कितना वसूला गया सर? हाँ, जो माधव नगर की सेठी नगर ब्रांच थी उसका 4,60,000 रुपए की बरामद की हो गई है, अभी और इससे पूछताछ की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है सर इसका और कितने लोगों से अभी तक? आरोपी मुख्यतः मथुरा का रहने वाला है और इससे बाहर भी कई अपराध होने पाए गए हैं, जैसे मथुरा में, महाराष्ट्र में इसी तरह के धोखाधड़ी के मामले। मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि बड़े पेमेंट निकलने पर बैंक कर्मी उपभोक्ता को फोन लगाते हैं। इस केस में तोमर के पास फोन नहीं आया, साथ ही खाते की डिटेल में तोमर के मोबाइल की जगह किसी और का नंबर था, संभवत वो नंबर मुख्य सरगना चेतन का है। दूसरा यह भी है कि आखिर चेकबुक की फोटोकॉपी करवा कर क्लोन किस तरह से तैयार किया गया। मामले में बैंक कर्मचारी की भूमिका की भी जानकारी पुलिस ले रही है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।